हाय फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा लाहौर का, जिसे हार्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन पाकिस्तान आफ्टर कराची एंड 26 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी है। किसी टाइम यह अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन कुछ कारणवश इसे भारत में शामिल न होकर पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वह क्या कारण थे कि लाहौर को भारत में क्यों शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा हरी सिंह का झुकाव किस तरफ था और कृष्ण मेनन कैसे बने भारत के पहले हाई कमिश्नर, इन विषयों पर चर्चा करने के साथ ही यह चर्चा इंडियन पाकिस्तान पार्टीशन की है। इन विषयों पर चर्चा करने से पहले आपका हमारे YouTube चैनल स्पेशल नॉलेज पाठशाला में स्वागत है। बात करते हैं 12 अगस्त 1947 के दिन देश के अंदर क्या हो रहा था, तो आइए जानते हैं। लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, जले घर रात में हुए आतंकी गवाही दे रहे हैं। अंग्रेजों का तर्क है कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह फैला दी है। इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम हुआ। दोपहर करीब 3 बजे तक अंग्रेज अफसर 100 लोगों के मरने की पुष्टि कर चुके थे, लेकिन चश्मदीद यह संख्या करीब 10 गुना बता रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे में लाहौर में हालत इतने बिगड़ गए कि गवर्नर जेनकिंस ने लॉर्ड माउंटेन को टेलीग्राम भेजकर फौज की डिमांड की। लिखा, लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। हालत अब काबू में से बाहर हो गए हैं, इसे फौज ही संभाल सकती है। लियाकत अली ने एक नारा दिया, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली हर मोहल्ले में यह नारा गूंज रहा था। वरिष्ठ पत्रकार और प्रोफेसर डॉक्टर विनीता गुप्ता ने बताया है कि लाहौर के कत्लेआम की वजह सिरिल रेडक्लिफ थे। उनके कार्यालय से यह सूचना लीक हुई। लाहौर पहले भारत के ही हिस्से में आना था, लेकिन 12 अगस्त 1947 को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत के में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा। रेडक्लिफ का एक सहयोगी पाकिस्तान को कोई बड़ा और समृद्ध शहर न दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह सूचना लियाकत अली तक भेज दी। आजादी के बाद लंदन में रेडक्लिफ से मुलाकात करने वाले इकलौते पत्रकार कुलदीप नैयर ने थे। कुलदीप नैयर ने एक रेडियो चैनल में इस मुलाकात के बारे में बताया। रेडक्लिफ ने नैयर से कहा कि सीमा रेखा खींचने के लिए 10 से 12 दिन मिले हैं, एक बार हवाई जहाज से अखंड भारत को देखा जाए। मुझे बताया गया कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब समृद्ध शहरों में गिना जाता था। पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर नहीं मिला था। बंटवारे के बाद उससे नाराज पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया है। उस टाइम लाहौर की स्थिति क्या थी, तब के लाहौर को समझने के लिए चलिए यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को गिनाते हैं। पहला है, देखिए, आर्य समाज मंदिर, वहाँ पे महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावर रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, अकबरी मंदिर, दुधवाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि स्थल, डेरा साहिब प्रकाश स्थान, श्री गुरु रामदास जी, भाबरिया जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, यहाँ के मशहूर धार्मिक स्थल थे। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में 8671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपि आज भी रखी हैं। अधिकतर बड़े व्यापारी हिंदू थे। वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के हुक्मरान फौज के बंटवारे का दबाव बना रहे हैं। आज़ादी के बाद अंग्रेज हटे तो हालत बगैर फौज के संभाला नामुमकिन होगा। रेडक्लिफ आज इसी पर फैसला लेने वाले हैं। फील्ड मार्शल सर क्लाइड एचिकलेक ने भी उनके पास आ चुके हैं। भौगोलिक और आबादी के अनुमान के साथ फौज के बंटवारे का प्लान भी बना है। अब अपन बात करते हैं फौज के बंटवारे किस टाइप से था। एयरफोर्स की 10 स्क्वाड्रन, जिनमें से 8 भारत को दी गई और 2 पाकिस्तान को दी गई। इसी तरह नेवी की 2 यूनिट भारत को दी गई और 1 यूनिट पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसके अलावा अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल एचिकलेक भी रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं बेलगांव न हो इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बना, इसके चेयरमैन माउंटबेटन बने। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, जिसमें पूछा था हमने महाराजा हरि सिंह का झुकाव किस तरफ था।
मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सचिन बत्रा कहते हैं कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराज हरि सिंह से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात का पहला असर आज भी दिखने को मिलता है। नेहरू के आग्रह पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना ही कहा था कि रामचंद्र काक को निकाल दिया जाए। रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बाहर का रास्ता दिखा दिया। काक ने भागने की कोशिश की तो उन्हें नजरबंद कर दिया गया। अपने रिश्तेदार जनक सिंह को यहाँ प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया महाराजा ने। डॉक्टर सचिन बत्रा कहते हैं कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत के विलय की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती ही नहीं। गांधी की बात महाराज कभी नहीं टालते, लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक सीमित रह गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिलने आए। उन्होंने पाकिस्तान में कश्मीर के विलय पर चर्चा की, दलील दी कि यहाँ की आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की दलील खारिज कर उनकी सलाह ठुकरा दी और महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था। तभी उन्होंने अपने विश्वास पात्र काक को भी हटाने में देरी नहीं की थी। अपना थर्ड क्वेश्चन था कि कृष्ण मेनन कैसे बने थे भारत के पहले हाई कमिश्नर, इसके बारे में देखते हैं। आजादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में ही नहीं चल रही थी बल्कि लंदन में भी वैसा ही उत्साह था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस था। छात्रावास से शुरू हुआ इंडिया हाउस का सफर कई कार्यालयों तक पहुंचा। आजादी से जुड़े मसलों पर यही मीटिंग होती है। लंदन में तब तक हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन ही नियुक्त हो चुके थे। यह तय हुआ कि कृष्ण मेनन ही अध्यक्षता में आजादी से जुड़ा कार्यक्रम होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके मंत्रिमंडल को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री बने। मेनन जब हाई कमिश्नर थे तब दिवंगत पत्रकार खुशवंत सिंह उनके जनसंपर्क अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक ट्रू लव एंड ए लिटिल मैलिस में लिखा है कि मेनन एक बदतमीज या बदमिजाज और नाकाम बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू तब जब भी ब्रिटेन आते मेनन उन्हीं की जी हजूरी में लगे रहते। वे पैदाई से झूठे इंसान थे, उनकी नज़र हमेशा सुंदर महिलाओं पर ही रहती थी। उच्चायोग में उनके कई महिलाओं से भी संबंध थे। चीन युद्ध की हार और जीप घोटाले में भी उन पर आरोप लगाए हुए थे। कहा जाता है कि नेहरू से करीबी संबंध की वजह से ही लंदन में भारत के पहले हाई कमिश्नर कृष्ण मेनन बने थे। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें बताएं। यदि इससे रिलेटेड यदि और कोई क्वेरी है, भारत और पाकिस्तान पार्टीशन से रिलेटेड और कोई वीडियो बनाना हो तो आप हमें बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।